आज सावन महीने में सोमवार का बड़ा महत्व होता है। प्रत्येक सोमवार पर शिवालयों में विशेष पूजा होती है। ऐसे में आज तीसरे सोमवार के दिन हरिद्वार में दक्षेश्वर महादेव मंदिर सहित हरिद्वार के सभी प्रसिद्ध मंदिरों में लंबी लंबी कतारें देखने को मिली। मंदिर के पुजारी कृष्ण कुमार शास्त्री ने बताया कि सावन महीने देवों के देव महादेव को बेहद प्रिय है। ऐसा कहते हैं कि जो भी इस महीने सच्चे मन से शिव जी और माता पार्वती की पूजा अर्चना और व्रत करता है उसे सुख और समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है। उन्होंने यह भी बताया, वैसे तो भोलेनाथ मात्र एक लौते जल से ही प्रसन्न होते हैं, लेकिन शिव को मनाने के लिए बेलपत्र, भांग, धतूरा, कमल पुष्प, चंदन आदि से उनका अभिषेक करने से शिव अति प्रसन्न होते हैं। ऐसी भी मान्यता है कि सावन मास में भगवान शिव हरिद्वार के कनखल क्षेत्र में निवास करते हैं। हरिद्वार से नमीश तोमर की रिपोर्ट। मृत्यु पर जिसने विजय पाई वो महाकाल श्री दारिद्र व्यंजन महादेव सभी भक्तों की मनोकामनाओं को पूर्ण करें और सभी भक्त प्रसन्न रहें और प्रसन्न चित्त रहकर भगवान शिव का पूजन करें। श्रावण मास चल रहा है, श्रावण मास में ऐसा कहा गया है कि राजा दक्ष के यहाँ और भगवान भोलेनाथ ने ऐसा संकल्प किया था कि एक महीने में यहाँ कनखल में श्री दक्ष मंदिर पर वास करूँगा। आप सभी भक्तों को श्रावण मास तीसरे सोमवार की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। और यही कहना चाहूँगा, आप जहाँ कहीं भी हैं भगवान शिव का पूजन करें, शिव की कृपा प्रदान आपको करेंगे, आपको समस्त करेंगे, आपके समस्त रोगों का नाश करेंगे और आपको और आपके परिवार को दीर्घायु करेंगे। मृत्यु पर विजय पाना, समस्त रोगों का नाश करना भगवान शिव के हाथ में है। संहार करता है और जीवन देने वाले भगवान शिव हैं। तो शिव की पूजा, शिव से एक बात है, शिव में जब शक्ति जुड़ती है तभी वो शिव होते हैं, नहीं तो वो शव हैं। तो शक्ति कैसे मिलेगी? सब भक्तों को शक्ति तभी मिलेगी जब शिव का पूजन होगा। और तीसरे सोमवार में भगवान के मंदिर में लगातार कतारें लग रही हैं और भगवान शिव का पूजन हो रहा है। हमारे यहाँ कांवड़ मास में छुट्टियाँ चल रही थी आजकल, तो इसलिए भक्त सुबह सुबह जल्दी आ रहे हैं या फिर बच्चों को स्कूल जाने के बाद छोड़कर वो भगवान के मंदिरों में जल चढ़ाएँ और सभी मनोकामना को पूर्ण करें।